और अद्भुत मंदिर लेपाक्षी मंदिर के नाम से मशहूर है, जहां भगवान वीरभद्र की आराधना के साथ ही दूर दूर से लोग मंदिर के एक हिस्से में छत से झूलते इस पिलर को भी देखने आते हैं, जिस पर इस मंदिर की पूरी मजबूती टिकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक अंग्रेज इंजीनियर ने इस रहस्यमयी पिलर की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की तो क्या हुआ? ये जानने से पहले आइए लेपाक्षी मंदिर के इतिहास पर नजर डालते हैं। रामायण में दिए गए उल्लेख के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। जटायु बुरी तरह घायल होकर गिर गए। जब राम इस जगह पर आए तो उन्होंने जटायु को मूर्छित अवस्था में देखा और कहा, ले पक्षी यानी उठो पक्षी। इस तरह इस मंदिर का नाम लेपाक्षी पड़ा। इस जगह की महत्ता को समझते हुए 16वीं सदी में विजयनगर के राजा अच्युत देव राय के विश्वास पात्र खजांची वीरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना ने इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू कराया। मुख्य मंदिर के ठीक सामने ये है नाट्य मंडप। इसमें कुल 70 खंभे हैं। इस नाट्य मंडप के उत्तर पूर्वी कोने में यही है वो रहस्यमय पिलर। 8 फीट लंबा ये पिलर जो जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि खुद जमीन पर नहीं टिके होने के बावजूद इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। अंग्रेजों ने इस रहस्यमय आर्किटेक्चर की गुत्थी सुलझाने के लिए सन 1902 में अंग्रेज इंजीनियर हैमिल्टन को छानबीन के लिए भेजा। हैमिल्टन ने जैसे ही एक लोहे की छड़ को इस खंभे के नीचे डालकर पिलर को खिसकाने की कोशिश की तो बाकी पिलर्स भी अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसकी वजह से हैमिल्टन को अपनी छानबीन तुरंत रोकनी पड़ी। और ये रहस्य आज भी रहस्य ही है। लेपाक्षी मंदिर के प्रांगण में यह कल्याण मंडप है, जिसका निर्माण अधूरा रह गया। इस मंडप के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि कुछ मंत्रियों ने राजा अच्युत देव राय से यह शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना मंदिर के निर्माण में अवैध रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस शिकायत के बाद राजा ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। जब वीरूपन्ना तक ये बात पहुंची तो उन्हें बेहद दुख हुआ कि राजा बिना जांच पड़ताल के इस आरोप को सच कैसे मान बैठे। वीरूपन्ना ने तभी खुद से अपनी दोनों आंखें निकाली और सामने की दीवार पर दे मारी। कहते हैं रक्त के ये दो निशान इसी बात की गवाही देते हैं। वैसे लेपाक्षी मंदिर कई अन्य मामलों में भी काफी दिलचस्प है, जैसे कि मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित ये नंदी की मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इस नंदी की मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। ये नंदी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर बने म्यूरल्स यानी भित्ति चित्र भारतीय चित्रकला इतिहास के नायाब नमूने हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है। अब जब आप लेपाक्षी मंदिर के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं तो धार्मिक सांस्कृतिक और वास्तुकला के इस नमूने को खुद निहारने के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का एक बार तो रुख जरूर कीजिए। Incredible.